अभी एक बच्चे जो 50 से 60% चले हुए हैं, जिनको मैं पटना ले जाना चाह रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस यहाँ उनके लिए डॉक्टर का कहना है कि स्पेशलाइज कोई बर्न करके यहाँ नहीं। डॉक्टरों का अभाव तो पूरे देश में है, डॉक्टरों का अभाव कोई ऐसा नहीं है कि बिहार में 57% डॉक्टर नहीं है पूरे देश में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक। और मुजफ्फरपुर में आगलगी की घटना में एक ही परिवार के 4 बच्चे की मौत हो गई, जिसका अन्य परिवार के बच्चों के इलाज एसकेएमसीएच में किया जा रहा है। उसी को देखने आज जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो नेता पप्पू यादव एसकेएमसीएच आता है। इस दौरान उन्होंने उनसे जाकर स्वास्थ्य का जायजा लिया, वहीं डॉक्टरों से पूछताछ की, जहां डॉक्टरों ने सलाह दी कि यहां बेहतर इलाज नहीं हो सकता, यहां सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अन्य जो बच्चे हैं जिनका जिनका इलाज यहाँ से ठीक से नहीं हो पा रहा, उसमें एक स्थिति काफी गड़बड़ है, जिसको वो दूसरे अन्य अस्पताल में इलाज करेंगे। और कई सारी बातों को उन्होंने कहा था, ये पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुलाकात की है आज, वहाँ सारे साफ सुथरे हो गए, बांस गिर गई, खाना का राशन आज हमारी पार्टी की ओर से वहाँ मिल जाएगा। अभी एक बच्चे जो 50 से 60% चले हुए हैं, जिनको मैं पटना ले जाना चाह रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस यहाँ उनके लिए डॉक्टर का कहना है कि स्पेशलाइज्ड कोई बर्न करके यहाँ नहीं है, बस एसी वार्ड है उसमें हम लोग रखे हुए हैं, बहुत बेस्ट स्पेशलाइज यहाँ हम नहीं दे सकते। तो अभी एक परिवार को 15,000, एक को 10,000 यहाँ पर, ताकि उनको यहाँ कोई दिक्कत ना हो सुविधा में। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई इसके लिए स्पेशलाइज डॉक्टर या बर्न वार्ड नहीं है, कि हम उसको जो ट्रीटमेंट की बेसिक नीड्स चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे। तो मुझको लगता है कि मैं अभी जस्ट पीएमसीएच और एम्स हम लोगों ने बातचीत कर ली है, और मैं चाहता हूँ कि इनके परिवार को अविलंब यहाँ से एम्स या पीएमसीएच ट्रांसफर करो। तो डॉक्टरों का अभाव है। डॉक्टरों का अभाव तो पूरे देश में है, डॉक्टरों का अभाव कोई ऐसा नहीं है कि बिहार में 57% डॉक्टर नहीं है पूरे देश में, बर्निंग नहीं है पूरे देश में, फिजिशियन नहीं है पूरे देश में, डॉक्टर ही नहीं उतने पढ़े हैं यहाँ पर देश में। मेरा इसमें था कि जो भी एसकेएमसीएच, डीएमसीएच, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इस तरह के जितने हॉस्पिटल सरकार के हैं, हायर सेंटर जिसको कहा जाता है, उनको आईजीएमएस के तर्ज तरह यहाँ के सारी सुविधा हो, एम्स घोषित हो, एम्स के तर्ज पर यहाँ की सुविधा बहाल किया जाए। साथ साथ अभी एमआरआई के लिए कई दिनों से लोग बैठे हैं, एमआरआई नहीं होती है, अल्ट्रासाउंड शौकत अली अल्ट्रासाउंड नहीं होता, सीटी स्कैन नहीं होता, लगभग मशीन बंद रहती है, टेक्नीशियन इनके पास है नहीं, लैब का सख्त प्रभाव, और थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी इनके पास नहीं है कि बहुत साफ सुथरा हाइजीन व्यवस्था किया जा सकता। तो जो हालात हैं उसमें रूटीन वर्क में आप यहाँ कुछ कर लीजिए, छोटे बड़े ऑपरेशन यहाँ कुछ कर लीजिए, लेकिन मुझको लगता है कि जो बात डॉक्टर साहब ने कही कि स्पेशलाइज नहीं है, तो बात सही कही डॉक्टर का अभाव। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका जो बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर पटना किया, इसीलिए हम आए थे। और मैं अभी सुपरिटेंडेंट से आग्रह करूँगा, यहाँ के जो अधीक्षक हैं, कि तुरंत इसकी सुविधा करें। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल उन्होंने डॉक्टर से बात किया, जहां पर डॉक्टरों का कहना है कि सुपर स्पेशलिस्ट न होने के कारण यहाँ ठीक से इलाज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिसका तबीयत काफी खराब है, उनको अन्य अस्पताल में ले जाकर उनका बेहतर इलाज किया जा सके। और वही आपको बता दें कि कल उन्होंने उनके परिजन से मुलाकात कर आर्थिक सहायता के लिए 10,000 रुपया दिया था, जिनसे उनके रहने सहने और खाने पीने का इंतजाम किया, और आगे की भी जिम्मा उन्होंने उठाई। बोलिए, जहां तक संभव होगा वहां तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।